भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले गए तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रनों से पराजित कर 1-0 से बढ़त बना ली। बारिश के कारण मैच बाधित रहा, इसलिए एक दिवसीय मैच 50 ओवर के स्थान पर 40-40 ओवर का खेला गया। भारत के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। साउथ अफ्रीका के ओपनर मलान ने 3 चौकों की मदद से 22 रन बनाए, जबकि क्विंटन डीकॉक ने 5 चौकों की मदद से 54 गेंद खेलते हुए 48 रन बनाए, जबकि कप्तान तंबा बबुमा एक बार फिर असफल रहे, उन्होंने महज 8 रन ही बनाए, जबकि मार्कम ने 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद हेरिनिच ने 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 65 गेंदों का सामना करते हुए अविजित 74 रन, जबकि डेविड मिलर ने 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 63 गेंदों पर 75 रन ठोक डाले। साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट खोकर 40 ओवर में 249 रन बनाए। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 8 ओवरों में 1 मेडन ओवर गिराते हुए 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि रवि बिश्नोई ने 8 ओवरों में 1 विकेट 69 रन खर्च करके हासिल किया। कुलदीप यादव ने 8 ओवरों में 39 रन देकर 1 विकेट लिया। भारत की टीम 250 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान में उतरी। ओपनिंग बल्लेबाज भारत के कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल मैदान में उतरे, परंतु दोनों ही ओपनर असफल रहे। शिखर धवन 18 गेंदों का सामना करते हुए महज 4 गेंदों पर ही पवेलियन लौट गए, जबकि शुभमन गिल 7 गेंदों में महज 3 रन ही बना सके। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 चौका लगाकर 19 रन और ईशान किशन ने 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, परंतु भारत के 50 रनों पर 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने और संजू सैमसन ने पारी को संभालने की कोशिश की। श्रेयस अय्यर ने 8 चौकों की मदद से 37 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन अंत तक अविजित रहे। उन्होंने 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 63 गेंदों का सामना करते हुए अविजित 86 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 5 चौकों की मदद से 33 रनों का योगदान दिया। कुलदीप यादव बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। आवेश खान 3 रन और रवि बिश्नोई 4 रनों पर अविजित रहे। साउथ अफ्रीका की ओर से रबाडा ने 36 रन देकर 2 विकेट, नगीडी ने 52 रन देकर 3 विकेट, तबरेज शमसी ने 99 रन देकर 1 विकेट, केशव महाराज ने 23 रन देकर 1 विकेट और पर्नेल ने 38 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इस तरह भारत को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अब अगला मैच 9 तारीख को रांची में खेला जाएगा। ये थी हमारी स्पोर्ट्स की खास जानकारी। अगले एपिसोड में हम फिर नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।